अस्सलाम वालेकुम। MA MSc BA BSc BCom ADC पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों की अपडेट्स लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। MA MSc के जो स्टूडेंट हैं ना, उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रही है कि ये जो सप्लीमेंट्री एडमिशन शुरू हुए हुए हैं, क्या इनके साथ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एडमिशन है ये सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2022 की है। इसमें ना तो कोई एनुअल का स्टूडेंट अपीयर हो सकता है, ना इसमें कोई फ्रेश स्टूडेंट अपीयर हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी रिजल्ट आए थे स्टूडेंट्स के, वो रिजल्ट में जो फेल हुए हैं सिर्फ वो स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे, वो इसका एडमिशन सेंड करेंगे, चाहे उसकी एक सप्ली है चाहे उसकी चार सप्लीज है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट जो होती है वो एनुअल एग्ज़ाम के साथ होती है, ये बात। और दूसरी बात, अगर आपकी फ़र्ज़ किया पार्ट वन के आपने पेपर दिए थे MA MSc के, आपका ना एक सप्ली आ गई, अब एक दो सब्जेक्ट साथ में ऐसा है कि जिसके ना मार्क्स कम है, यानी कि उसके मार्क्स कम है और आप चाह रहे हो कि फीस तो जमा हो ही रही है, तो क्या मैं उस सब्जेक्ट का भी साथ ही एडमिशन भेज कर इम्प्रूव कर लूँ उसके मार्क्स? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट जो पेपर हुए हैं एग्ज़ाम आप लोगों का, जो सिर्फ सप्ली आई है ना जिस सब्जेक्ट में, आप सिर्फ वो सेंड करोगे, उसके साथ अगर आपका कोई सब्जेक्ट पास है, मार्क्स कम है, पासिंग मार्क्स ही हैं, तो वो भी आप इसके साथ इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इम्प्रूवमेंट हमेशा तब होती है जब आपका पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप एनुअल के साथ अपीयर होती हो इम्प्रूवमेंट में। अगर अभी 2023 के जब एडमिशन ओपन होंगे ना एनुअल के, उसके साथ आपको लिखा हुआ क्लियरली नज़र आएगा कि इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट भी इसके साथ एडमिशन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सप्ली के स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे, वही एडमिशन सेंड करेंगे, इनके अलावा और कोई भी स्टूडेंट। और इसके साथ एक और छोटी सी अपडेट, अगर आपने दाखला सेंड कर दिया था 2022 एनुअल एग्ज़ाम का, आप पेपर में एबसेंट हो गए, यानी कि आपने किसी वजह से भी पेपर्स नहीं दिए, एक भी पेपर नहीं दिया, तो क्या अब आप सप्ली का एडमिशन सेंड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, आप एडमिशन सेंड नहीं कर सकते, आपका चांस ख़त्म हो चुका है। आपने एडमिशन, आपने पेपर कोई दिया होता, पेपर में अपीयर हुए होते, तो फिर आप ये वाला पेपर जो है वो इसमें सप्ली का एडमिशन सेंड करके अपीयर हो सकते थे, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो छोटे छोटे आपके जो सवाल थे इम्प्रूवमेंट के लिहाज से, तो ये अब क्लियर हो गए होंगे। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।